हेलो फ्रेंड्स, सभी को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। आज फिर हम अपने एंटीक विंटेज कलेक्शन से एक थोड़ा सा कलेक्शन आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं जो अपने कलेक्शन में हैं, मतलब कलेक्शन में से आज कुछ ये चीज़ें दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी और कलेक्शन तो एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, तो ये इसके कई सारे वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कई सारे वीडियोस में ये आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो बनाऊँगा इन सारी का तो बहुत लंबा वीडियो वो जा रहा है, वो इंटरेस्टिंग भी नहीं होता, ना ही आप लोग उसको देख पाओगे, एंड आपको बोरिंग भी बहुत लगेगा, बोर लगेगा आपको बहुत ज़्यादा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं नोकिया 3310 से। ओहो, ऐसा नहीं है कि इंडिया का फर्स्ट फ़ोन है या इंडिया का फर्स्ट एडवांस फ़ोन था, परंतु इंडिया को फ़ोन चलाना सिखाया नोकिया ने और 3310 ने। बेसिकली फ़ोन, मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री तो काफ़ी पुरानी है इंडिया में। एस्कोटेल आ गया था, बहुत पहले आ गया था, परंतु नोकिया 3310 एक आम आदमी का फ़ोन माना गया था। ये बहुत ही हैंडी था, इसका प्रोफाइल जो इंटरफेस था वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी था और मेंटेनेंस फ्री था ये फ़ोन, बजट में भी था, परंतु स्टार्टिंग में बहुत महंगा था। मेरे फ्रेंड ने लिया था एक बार 3315, 2000 की बात मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से, तो एट दैट टाइम वो 8200 रुपये का आया था। तो नोकिया 3310 के इन्होंने अपग्रेडेड वर्जन फिर एक निकाला था, नोकिया 3315, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था, सिर्फ कीपैड का फ़र्क था। ये देखिए, आप यहाँ से इजीली इसको देख सकते हैं, ठीक है, नोकिया 3310, नोकिया 3315। एक फ़ोन, फिर एक ज़माना आया कि मतलब कि ये तो बहुत ही बेसिक फ़ोन थे, फिर अपने आप में उस टाइम पे जो एक हाई एंड फ़ोन माना जाता था ये था नोकिया 6500। जैसे आज के फ़ोन में बंदों ने नहीं पकड़ा होता है हाथ में फ़ोन, आईफोन एक्स एस, तो उससे भी ज़्यादा कहर उस ज़माने में इस फ़ोन का था, क्योंकि आज तो अवेलेबिलिटी ईजली है, क्रेडिट पे आप ले सकते हो, परंतु उस टाइम पे ये कैश में ही मिलते थे फ़ोन, ठीक है, सेकेंड हैंड भी ज़्यादा नहीं मिलते थे हाई एंड फ़ोन तो खासकर। तो नोकिया 6500 उस ज़माने का बहुत ही अपने ज़माने में एडवांस फ़ोन, कैमरा इसमें था और भी दुनिया भर के फीचर थे। जब एक अलग से इनका स्पेसिफिकली मैं फ़ोन्स का वीडियो बनाऊंगा, ये तीनों चारों फ़ोन जो है वर्किंग कंडीशन में, इनको चार्ज करके और एक वीडियो फिर दोबारा से निकालने की कोशिश करेंगे स्पेशलाइज्ड फ़ोन के ऊपर। आज तो ये एक मिक्स वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और बीच में फ़ोन आया ओलिव का, ये बेसिकली लेडीज़ के लिए निकाला गया था, वो उसको पर्स में इजीली रख सकती है। ये देखिए आप, स्क्रीन इसकी कितनी छोटी है, ये आप मेरे पाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ़ोन कितना हैंडी होगा, कितना छोटा इसका साइज़ होगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप कि मेरी उंगलियों के ऊपर ये आ गया। ये बेसिकली लेडीज़ के लिए बनाया गया था। फिर ज़माना आया फ्लैप फ़ोन का, फ्लैप फ़ोन ये करके स्टाइलिश खोलना ऐसे, क्लब हेलो हाउ इज़ दिस, ओके बाय बाय, और फिर कड़प से ये इसकी आवाज़ ही आती थी। ये देखिए, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये ऐसे और ये ऐसे, या और एक छोटा सा एंटीना आता था। उससे पहले जो नोकिया के कुछ एंटीना फ़ोन आते थे उसमें एंटीना प्रॉपर ऐसे पूरा जाता था, टेलीस्कोपिक जैसे ये जा रहा है, ऐसे फ़ोन आते थे। एस्कोटेल कंपनी के वो जनरली एस्कोटेल के साथ टाइप था। ये फ्लैप फ़ोन में LG और सैमसंग का काफ़ी नाम रहा है। आगे देखते हैं, प्रीमियर कैमरा है ये, उस टाइम कॉलेज गोवर की ये पहली पसंद माना जाता था, क्योंकि रोल होते थे उस टाइम ज़माने में, और रोल फिर डेवलप जब तक ना हो तब तक रोल नहीं निकल पाता था, और फिर वो डेवलप का जो पीरियड होता था कितना धैर्य उसमें रखते थे, फिर डेवलप होके अल्टीमेटली अब तो जैसे ही पिक लिया दिखाना, अरे ये बढ़िया नहीं है, इसको डिलीट करो यार, इसको डिलीट करो, नहीं अब मैं दूसरा पोज देता हूँ, नो बडी, उस टाइम पे पोज वोज का
मतलब दोबारा तो था ही नहीं, क्योंकि तीन चार लोग तो बंदे इकट्ठे होकर रोल खरीदते थे, ठीक है। उसके बाद एक पोज भी अगर आपके हिस्से में आ रहा है तो टूर पे, तो भाई आप लकी हो। तो इसके यहाँ से ऐसे करते थे, ये देखिए यहाँ पे रोल डलता था, ठीक है। इसको ऐसे किया बंद, ये ऐसे करके आगे क्लिक, आगे करके क्लिक, आगे करके क्लिक। यहाँ पे ये आप काउंट कर सकते थे कौन सी फोटो चल रही है, ये जैसे एक लिखा हुआ है, एक छोटा सा था। और अभी एक दो चीज़ें और हैं जो हम देख सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करता हूँ मैं। फिर वही है, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि वीडियो ठीक ठाक बनाया जाए जिसको लोग बाग आराम से देख सकें। और लंबा वीडियो मैं चाहता नहीं बनाना सीरियसली, मेरे खुद का आप पुराना और शूट देख सकते हो, तो उसमें मेरी वीडियो हार्डली वही 5-6-7-8 कोई कोई वीडियो हो सकती है जो जो ज़रूरी है कि जो उससे छोटी बन नहीं सकती है, मैं क्या करूँ। कई बार कोई कार का रिव्यू हो गया, कुछ हो गया, तो वो लंबा चला जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो भी जिस भी चीज़ का पर्टिकुलर और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जिसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के आप किसी और प्रोडक्ट की जानकारी जो इसमें है वो आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, बाय बाय। इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।